1967 नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई है, जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बेहतरीन फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलने के बाद से सुशांत सिंह राजपूत ट्रेन कर रहे हैं। सुशांत के अलावा उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी ट्रेन कर रही हैं। वैसे सुशांत के निधन के बाद से उनके फैंस अंकिता लोखंडे को काफी ट्रॉल कर चुके हैं। कई बार सोशल मीडिया पर अंकिता की पोस्ट पर एक्टर के फैंस उन्हें बुरा भला तक कह चुके हैं। सुशांत के फैंस ने तो अंकिता को ब्लेम करते हुए यहाँ तक कहा था कि उन्होंने सुशांत को छोड़ दिया था। वहीं अब इस मामले में अब अंकिता लोखंडे का जवाब आया है। एक इंटरव्यू में अंकिता ने इस पर खुलकर बात की है। इंटरव्यू में अंकिता ने कहा है कि उन्होंने कभी सुशांत को नहीं छोड़ा था, बल्कि सुशांत ने ही ब्रेकअप किया था। उन्होंने कहा कि वह अब तक चुप इसलिए थी क्योंकि वह अपने रिलेशनशिप का तमाशा नहीं करना चाहती थी। अंकिता ने यह भी कहा कि वह सुशांत को ब्लेम नहीं कर रही हैं, लेकिन वह ट्रोलिंग से काफ़ी परेशान हुई हैं। अंकिता ने कहा कि मैं उस रिश्ते के लिए कर रही थी उस समय पर, क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि अपने निजी रिश्ते को बाहर लाकर उसका तमाशा बनाऊँ। उन्होंने कहा है कि यह लोगों की गलतफहमी है। उन्होंने आगे कहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ। सुशांत ने अपनी पसंद को बहुत साफ कर दिया था कि वह अपने करियर के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। अंकिता ने कहा कि मुझे लगा कि ऐसे समय में मौन रहना एक खासियत है, ताकि रिश्ते की पवित्रता पर असर न पड़े। मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो अपने निजी जीवन का लोगों के सामने तमाशा बना दे। हाँ, लोगों ने मुझे गलत समझा। लोग आज मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुमने सुशांत को छोड़ा है। वह ऐसा कैसे जानते हैं? मेरी कहानी कोई नहीं जानता। अंकिता ने कहा कि सुशांत ने अपना करियर चुना और वह आगे बढ़ गए, लेकिन 2.5 सालों से मैं कई चीज़ों से जूझ रही थी। मैं इस स्थिति में नहीं थी कि मैं तुरंत काम पर जा सकूं, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिसमें मैं सिर्फ काम करती रहूं। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं जो आसानी से आगे बढ़कर काम करना शुरू कर सके, इसलिए मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया।